जय माता दी, जय मां कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलवरदवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम ने काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार्सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अष्टमी नवमी को मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का हवन कैसे करें, क्योंकि जितने हिंदू परिवार हैं उतने ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है और कुछ लोग ब्राह्मण के माध्यम से हवन पूजन करवाते हैं, तो उस दिन अष्टमी और नवमी के दिन उनके पास इतने ज्यादा हवन के आर्डर्स होते हैं कि वो सब जगह शॉर्टकट में हवन करा देते हैं और उसका फल पूरा भी नहीं मिलता है। और आपको भी ये ज्ञान नहीं होता है कि इस अष्टमी और नवमी के दिन क्या हवन कराना, कैसे हवन कराना, ये आप भी नहीं जानते। तो पंडित जी या विप्रवर जिस प्रकार से हवन करा देता आप उसी को मान लेते हो, हमने हवन करवा लिया। पर ऐसा नहीं है, हवन करने का एक विशेष विधान होता है और घर में हवन कराने का मतलब है कम से कम 3 से 4 घंटे लगना। और अष्टमी के दिन और नवमी के दिन ब्राह्मणों के पास समय नहीं होता है कि आपके घर में अगर 4 घंटे दे देंगे तो 2-3 घर ही कर पाएंगे, और उन्हें तो इस समय पर पैसा कमाना होता है, इसलिए वो आधे आधे घंटे एक एक घंटे हवन करके भागते हैं कि बस दूसरे घर जाना फिर तीसरे घर जाना। कोई समय नहीं देखते, कोई मुहूर्त नहीं देखते, सिर्फ पहुंचे और हवन करना चालू कर देते हैं। इसीलिए हवन खुद करें, शुभ मुहूर्त में करें, चौघड़ियां देख करके करें, टाइम देख करके करें, तो उसका फायदा भी पूर्ण रूप से होगा और विधि विधान से हवन करें। अब हवन कैसे किया जाए, तो सर्वप्रथम पहले हवन में लगने वाली सामग्री को इकट्ठा करो कि हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, नींबू, नारियल, एक चक्कू, कलावा, मौली, कपूर, माचिस, पानी के लिए 1-2 कटोरियां, चम्मच, हवन सामग्री, काले तिल, जौ, मखाने, उड़द, पीली सरसों, कमल गट्टे, जायफल, चीनी, मिश्री, अनार, सेवफल, जावित्री, गुलाब के फूल, 1-2 माला, इत्र, सुगंधित इत्र, घी, कपूर काचली, अगर तगर, सूखे आंवले, खड़े मूंग, खड़ी हल्दी, दुर्वांकुर, मिठाई, लौंग, पान का बीड़ा, कुछ पान के पत्ते, इलायची, कुश, खीर, हलवा, पूरी, पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, कुछ चावल,
आम के पत्ते, अशोक के वृक्ष के पत्ते, जामुन के पत्ते, दीपक, रुई की बत्ती, श्रृंगार का सामान, रक्त चंदन, शहद और पूजा की सुपारी, ये सब सामान मां भगवती जगत जननी की पूजा में लगता है। ये सामान इकट्ठा कर लें, सबको मिक्स कर लें अपने तरीके से, जैसे हवन करते हैं उस हिसाब से, और दीपक तैयार करें, तांबे का लोटा लेकर के कलश तैयार करें, धूप अगरबत्ती लगा लें, गाय का कंडा जला करके गूगल अवश्य जलाएं, तबदुंद्रान आसन पर बैठ करके स्वच्छ पवित्र होकर मां भगवती जगत जननी की आराधना करें। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर दें, कलश को बना के रख लें, उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना लें, मां भगवती जगत जननी की कोई मूर्ति हो तो मूर्ति रख लें, मूर्ति की पूजा करें, पंचोपचार या षोडश उपचार से पूजा करें, तिलक लगा लें, कलावा बांध लीजिएगा, छोटी बांध लें, सिर को ढक लें, उसके बाद जल हाथ में लेकर के तीन बार जल को पीना है। ओम एम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद पृथ्वी पर जल को छोड़ना है, पृथ्वी पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णुम गता चैतम धारम माम देवी पवित्रम करु चासनम। गंध अक्षत पुष्प छोड़ें पृथ्वी पर, उसके बाद आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः, अपने आसन पे जल छोड़ें, चंदन धारण कर लें, माथे पर तिलक लगा लें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा महर्ते नित्यम लति प्रतिशतिम सर्वदा। सिर पर चोटी पर मस्तक पर हाथ लगा लें। ओम चित्रपुण महामाय दिव्यमृत तिष्ठ देवी शिखामृदे तेजो मृद्धि करुष्मे। उसके बाद कलावा को बांधना है हाथ पे, तो ओम मृतेन दीक्षापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम सद्दानोति सद्दाम सत्यमाप्यतः। कलावा बांध लीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वंदना नमत्योर्मुक्षीमामृतात। दीप प्रज्वलित कर दीजिए। ओम अग्नि अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। कलश की स्थापना करें, कलश जो बना हुआ रखा है तांबे का लोटे में जल भर दें, पंच पल्लव रख दें, सुपारी डाल दें, कुछ दुर्वांकुर डाल दीजिए, एक सिक्का डाल के नारियल ऊपर रख दीजिएगा। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधु गुरु। इसमें सभी नदियों का आह्वान किया जाता है। कलश को जमीन पे नहीं रखना है, दीपक को भी जमीन पे नहीं रखना, उसके नीचे चावल अवश्य रखें। जब ये सब कार्यक्रम हो गया हो तो मां भगवती जगत जननी को पहले तिलक लगा दीजिएगा, उसके बाद चुनरी ओढ़ा दीजिए, उसके बाद में माला पहना दीजिए, इत्र चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, पान का बीड़ा रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए और चार बार जल को छोड़ दीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। उसके बाद में कलश के ऊपर चावल के दाने डालना है, दो दो चार चार दाने, और सभी देवी देवताओं का आह्वान करिए। ओम सीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः,
ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपिंड गमलेभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्य नमो नमः। ये बोलते हुए सभी चावल के दाने कलश पे छोड़ दें, फिर कलश की भी पूजन करें, माल्यार्पण करें। ओम पुष्पम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, जनेऊ चढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए, चुनरी चढ़ा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, एक पान का बीड़ा वहां पे रख दीजिए, कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, लौंग इलायची वहां पे चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में यज्ञ कुंड जो तैयार रहता है पहले से तैयार करके रखिए, उसमें आम की लकड़ी का प्रयोग अच्छा हो तो अच्छी बात है। अग्नि प्रज्वलित करिएगा कपूर लगा करके, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मत्योर्मुक्षीमामृतात्। फिर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, तीनों देवताओं का ध्यान करना है। उसके बाद माता रानी जगत जननी का याद करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुंड का पूजन कर दीजिएगा, योनि का पूजन कर दीजिएगा, गंध अक्षत पुष्प सब जगह छड़ाते जाइए, और सर्वप्रथम जो है अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो उसमें एक मिठाई का पीस अवश्य डाल के चार बार जल को जमीन पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में माता भगवती जगत जननी के पास में भैरव जी की स्थापना करें, किसी जायफल के ऊपर या नींबू के ऊपर। ओम बम भैरवाय नमः बोलते जाइएगा। फिर माँ जगत जननी का ध्यान करें यदि कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः बोल दीजिए, या क्रीम कालिकाय नमः बोल दीजिए, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे बोल दीजिएगा। ओम खड़गम चक्र गदेशु चाप परिधा शूलं दुसुंडिं शिर शंखं संगदती करे स्तिनयना सर्वांगभूषाव्रतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो अंतुम मधुम केडमं अक्षस्त्रक परशुं गदेशु कुलिशं पदमं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च जरम जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेदिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजिस्थिता घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे ददतिं दनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रवा गौरी देह समुद भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदेत्यर्दिनिं विद्युद्धाम समप्रभां रघुपतिं इस्कन्दे स्थितां भीषणां कन्याभीकरवालकेट विलसा दस्ताभिरासेविताम् हस्तेश्चक्रगदासिकेट विशिशिकं चापं गुणं तरजनिं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे
ओम बालरविंदु तमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम स्मेर मुखीं वरदांकुश पाशां भीतिकरां प्रभजेय भुवनेशिम ओम उद्दद्वानु सहस्तकांतिरुणं चोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपटिं विद्यां भीतिं वनं हस्ताब्जे ददतिं दिनेत विलस दक्तारविंद श्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटां वंदेरविंदस्थितां कालाभ्राभ्रां कटाक्षेरियुकलभयदां मौलिपदेन्दुरेखां शङ्गं चक्रं कृपाणं तिसिमपि करे रुद्धहन्ति दिनेद्रां सिंहस्कन्धादिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां तिसपरिवतां सेवितां सिद्धकामीं नागादीश्वरविष्टरां फणिफणोतं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रातचूडाम्बणां ॐ सर्वयज्ञभैरवनाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तयेत् ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीघृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां हणिमादिविराव्रतां मयूखेरमित्ये विभावये भवानीं बोल दुर्गे महारानी की जय। इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपा का है। उसके बाद में भैरव जी का भी ध्यान करना जरूरी, क्योंकि जब माँ जगत जननी आद्य शक्ति भवानी का जब भी आह्वान करें तो भैरव जी का आह्वान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, या काल भैरव जी का नाम ले सकते हैं, पटुक भैरव जी का नाम ले सकते हैं, ओम बम भैरवाय नमः भी बोल सकते हैं, ओम हम जम नम गम भम झम गम महाकाल भैरवाय नमः, ओम रिम बटुकाय आप दुद्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रिम, या फिर अष्टोत्तर शतनाम ओम भैरवो भूतनाचस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्र दर्शत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खर्पाराशी स्मांकत रक्तपह बानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित कंकालः कालश्रमन कलाकाष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने च ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियू भैरविनाथ ओम भूतो योगिनीपति धन्दो धनहारी च धनवान प्रतिवर्दना नागहारो नागपाशो व्योम किष्कपालवत कालः कपालमाली च कमलीकलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र शिखी च त्रिवत तन्युडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुके शाय घटंगवांगवर भूताध्यक्षपति भिक्षु परिचारक दुर्तो दिगंबर शोर हणि पांडुलोचन प्रशांत शांतिद सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निधिष्ठ गांतक श्रेष्ठम अष्टाधार सुणाधार सर्पयुक्त शीदग भूधरो भूधरा दिशो भूपति भूधरात्मज कंगालधारी मुंडिच नाग्योपरिचवाण जम्बणा स्तंभि मारण शोभनिष्ठता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मनुविधन बलिभुग बलिपूर्ण नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वपदान दुर्गा कामी कला निधि कांतः कामी नवतरसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णु तो हिम अष्टोत्तर शत नाम नाम भैरस्य महात्मनम। इस प्रकार से भैरव जी का आह्वान कर लें, उसके बाद जो है हवन करना प्रारंभ करें। ओम जीमन महागणाधिपते नम स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नम स्वाहा, ओम सचि पुरंदराभ्यो नम स्वाहा, ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नम स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नम स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नम स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नम स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नम स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नम स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नम स्वाहा, ओम मातपित चरण कमलेभ्यो नम स्वाहा, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नम स्वाहा, ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा देवी नम स्वाहा। इस तरीके से सबके नाम से आपको, ये मैंने तो एक एक आहुति बोली है, आपको सबके नाम से 11 11 आहुति देना है। इसके बाद में ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ये भी अवश्य बोलना है। उसके इनके बाद में आपको ओम ब्रह्मणे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ये भी अवश्य बोले। तदुपरांत नवान मंत्र की 108 बार आहुति दे दें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। यदि लक्ष्मी जी का कोई मंत्र आता तो उसके बाद लक्ष्मी जी के 27
बार आहुति दीजिए। ओम सिम रीम सिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः स्वाहा ये भी बोल सकते हैं। फिर आपको जो भी मंत्र आपका गुरु मंत्र हो ओम नमः शिवाय स्वाहा भी बोल सकते हैं। घी से आहुति देना है आपको, अपने अपने गुरु का जो भी मंत्र हो उसकी एक माला से अवश्य आहुति दें। और कोई स्तुति मंत्र आपको आती हो तो उससे भी आहुति अवश्य दे दें। क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, और आखिरी में एक खोपरा गोला अवश्य छोड़ें पूर्ण आहुति के लिए। जल से सिंचन करें, एक नींबू बलि स्वरूप काट दें हवन के बाद में, सिर झुका करके अग्नि देवता को प्रणाम करें, पांच परिक्रमा करें और आसन के नीचे जल छोड़ें, उसके बाद उठ जाएं। तो जितनी भी क्रिया बताई गई क्रिया ये संक्षिप्त है, आप इसको लिख करके अपने घर पे हवन कर सकते हैं। माँ भगवती जगत जननी आपके ऊपर कृपा बरसाए ऐसी कामना हम माँ जगत जननी आदिशक्ति भवानी आलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी सिंहवाहिनी से करते रहेंगे। जय माता दी, जय माता मख्या।